जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल दिल्ली में एक्सट्रीम हीट वेव, भीषण गर्मी की स्थिति है। इस भीषण गर्मी की स्थिति में दिन का तापमान तो 47-48 डिग्री पहुंच ही रहा है, रात का तापमान भी 40-41 डिग्री पहुंच रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में पानी की ज़रूरत हर व्यक्ति की बढ़ जाती है। आज दिल्ली वालों को ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत है, लेकिन जिस समय इस भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, आज दिल्ली में पानी की कमी हो गई है, दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है। क्यों है दिल्ली में आज पानी की कमी? क्यों दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है? क्यों दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं? हमें ये समझना होगा कि दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 MGD है। इस 1050 MGD में से 613 MGD हरियाणा से आता है और हरियाणा से यमुना नदी में आता है। कल यानी 18 जून को हरियाणा से जो पानी की मात्रा 613 MGD आनी थी, वो घटकर 513 MGD हो गई है। यानी 100 MGD की पानी की कमी आज के दिन में दिल्ली में है। 100 MGD की पानी की कमी का क्या मतलब हुआ? 1 MGD पानी तकरीबन 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर दिल्ली को हरियाणा से 100 MGD पानी कम मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 28 लाख लोगों को पानी कम मिल रहा है। ये आज दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं और दिल्ली के लोगों की ये परेशानी दूर करने के लिए हमने हर संभव प्रयास कर लिए। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन हरियाणा ने फिर भी पानी नहीं दिया। मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करी, उन्होंने कहा वो हिमाचल से पानी देने को तैयार हैं, लेकिन वो पानी भी हरियाणा से होते हुए आना है। हरियाणा ने हिमाचल का पानी भी देने से मना कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गई, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि दिल्ली को ये 100 MGD पानी की ज़रूरत है, वरना 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। हमारे विधायक जल शक्ति मंत्री से मिलने गए, वो हमारे विधायकों से नहीं मिले। कल दिल्ली सरकार के सारे उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के अफसरों से मिलने गए, उनसे दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के 28 लाख लोगों के लिए पानी मांगने गए, लेकिन हरियाणा ने पानी देने से मना कर दिया। दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं और 3 करोड़ लोगों को कुल पानी मिला है 1050 MGD, जो दिल्ली का एलोकेशन है। हरियाणा में भी 3 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन हरियाणा का पानी का एलोकेशन 6050 MGD का है। तो हरियाणा को, दिल्ली को अगर 100 MGD पानी देना भी है, वो उसके कुल पानी का मात्र 1.5% है। फिर भी हमारी हर संभव कोशिश के बाद हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। अब दिल्ली वालों का कष्ट हदें पार कर गया। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप सोचिए, 28 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा, वो घंटों घंटों पानी का इंतजार कर रहे हैं, टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम पानी में अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला,
तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 MGD पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज़्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।